तो सबसे पहले हम एक सेलर को कॉल करके देखते हैं जिनका फरबा के नाम से जिन्होंने काफ़ी सारे एड्स लगाए हुए थे, पूछते हैं कि एक्चुअल उनके पास किचन हैं कौन से। कॉल करते हैं, पूछते हैं, थोड़ी डिटेल लेते हैं उनके बारे में, देखते हैं कॉल उठाते भी नहीं उठाते। बेल हो रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और मेरा सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। तो मैं अपने लिए एक बहुत प्यारा किस्म का जो है वो किटन ख़रीदने लगा हूँ। अब ये जो मैं कंटेंट आगे बना रहा हूँ, जो जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगी। किटन कहाँ से लेना है, किस तरह लेना है, क्या क्या चेक करना है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी समझाता जाऊँगा कि जब मैं ओलेक्स खोलूँगा या फेसबुक पे देखूँगा, कहीं भी ढूंढूंगा किटन, आप लोगों को बताता जाऊँगा ये किटन कौन सी ब्रीड है, कैसी ब्रीड है, कितने की होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज इस जर्नी का स्टार्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे जो कॉन्टेंट आने वाला है वो इंतहा का मज़ेदार होने वाला है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, पहले हम हंट करते हैं, जाके देखते हैं कि हमने कौन सा किटन लेना है और किस तरह का लेना है और कितने पैसों के अंदर अंदर लेना है, ताकि बजट के अंदर एक चीज़ रहे। हर किसी की ये नहीं होता कि वो 15,000, 20,000, 25,000 किटन ले सके, तो एक बजट रखेंगे, उसके अंदर का एक किटन लेते हैं और जाके ढूंढते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि हम किटन कहाँ कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, पहली आपके पास ऑप्शन आती है ओलेक्स की, दूसरी आपके पास ऑप्शन आती है फेसबुक की, तीसरी आपके पास ऑप्शन आती है कि आप किसी शॉप के ऊपर जाएं और जैसे प्रिंटर मार्केट है या और मार्केट से वहाँ पे जाएं, चौथी ऑप्शन है कि आपके इर्द गिर्द किसी दोस्त के पास। तो सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो है ओलेक्स की। फेसबुक भी एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन तब तक थी जब तक फेसबुक ने अलाउ किया हुआ था कि वहाँ पे किटन या कैश फेरा या एनिमल सेल हो सकते हैं। अब वहाँ पे अलाउ नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा एड्स नज़र नहीं आते। शॉपकीपर से लेने के हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, खास तौर पर प्रिंटर मार्केट की तरफ जाने के हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, वहाँ पर उस तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ। दूसरा कोई रिश्तेदार दे रहा तो वो अलग चीज़ है, मेरा रिश्तेदार तो मुझे देने से रहा, सारे कहते हैं यार हमें जो है ना वो इतने पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ओलेक्स पे। आज मैं आप लोगों को आज हंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है ओलेक्स ऊपर हंट करेंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा सारी चीज़ें कि कौन सा किटन ठीक है, किसने गलत ऐड लगाया, किसने सही ऐड लगाया, तो चलते हैं, मज़ा आएगा। तो ले जी, हमने यहाँ पे जो है वो अपनी ऐप ओपन कर लिया ओलेक्स की, और ओलेक्स पे आप लोगों ने हमेशा गौर करना है कि आप लोगों ने हमेशा अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, और अपना जो है प्रोविजन सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने ढूंढने के लिए जाना है। अगर हम नीचे देखें तो शायद यहाँ पे भी हमें शो कर रहा हो, जैसे कि ये कैट शो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन हम सीधा जाएंगे इसकी जो ऑप्शंस आती हैं एनिमल्स में, एनिमल्स के बाद जाने के बाद हम करेंगे कैट्स। कैट्स में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी जो हैं वो ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे किटन्स जो हमें शो कर रहा है, और आप लोग गौर कर रहे होंगे यहाँ पे फीचर्ड ऐड लिखा हुआ है, ये फीचर्ड ऐड हैं, ये वो लोग हैं ज़्यादातर जो कि प्रॉपर सेलिंग कर रहे होते हैं, प्रॉपर जिनका काम होता है कि वो सेलिंग वगैरह करते हैं, तो इनसे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ कि ये मैं सिर्फ जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं, मेरे पास वैसे भी स्ट्रे किटन्स हैं, आपको या कि ये ना कहें कि यार आप स्ट्रे किटन अडॉप्ट कर लो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियोज़ हैं जो कि, क्योंकि पर्शियन कैट हो, कोई ब्रीड कैट हो, उसको ख़रीदना कोई बुरी बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लो सारे लोग जितने भी पेट लवर्स हैं वो पर्शियन से शुरू करते हैं, उनके पास स्ट्रेस की तरफ आते हैं, एकदम से किसी को आप स्ट्रेस की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो कभी भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहला ऐड हम यहाँ पे देख लेते हैं जिसकी प्राइस है 16,000 डॉलफेस किटन है, और 65 डेज़ एज है, मुझे लग भी रहे हैं कि 65 डेज़ के आसपास या 55 डेज़ के आसपास ही किटन्स हैं, और किटन्स तो अच्छे हैं माशाल्लाह से, लेकिन मेरे ख्याल से प्राइस इसकी थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे सियामीज़ किटन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि माशाल्लाह से बड़ी क्यूट हैं, और लेकिन सियामीज़ हम नहीं लेंगे। मैंने जो सोचा हुआ अपने लिए वो मैं सोच रहा हूँ कि वाइट में हो या फिर बाय कलर में कोई मेल मैं सोच रहा हूँ कि लूँ। अब यहाँ पे ये किटन्स लगे हुए हैं वैलेंशिया टाउन, जिनकी तस्वीरों में देखने पर लग रहा है कि ये तकरीबन 25 दिन के किटन है, इससे ज़्यादा ये किटन्स नहीं है। बाकी अब एक पिक्चर है, एक पिक्चर का मतलब ये है कि कोई ख़ास डिटेल नहीं दी, एज भी 25 लिखी हुई है यहाँ पर, और बुकिंग पे अवेलेबल हैं, बुकिंग वाला हमने काम नहीं करना। थोड़ा नीचे जाएंगे, आप लोगों को साथ साथ ब्रीड्स के बताता जाता हूँ। अब ये एक कैट है जो कि पर्शियन कैट लिखी हुई है, लेकिन ये एक मिक्स ब्रीड कैट है जो कि डिफरेंट। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1,000 का कोई स्ट्रे कैट भी जो है वो सेल कर रही है, और माशाल्लाह से है तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट, काफ़ी क्यूट है माशाल्लाह से ये। उसके बाद नीचे जाएंगे, ये भी एक मिक्स ब्रीड है। उसके बाद अगर ये वाला किटन देखें, कैलिको है, फीमेल है, ये प्यारी तो है लेकिन एज मुझे इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, हमने ज़रा थोड़ा सा 2 मंथ्स के राउंड का किटन लेना है। अब यहाँ पे ये दो और किटन्स लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है मॉडल टाउन के अंदर 12,000 का प्योर पिकी, सॉरी
डॉल फेस किटन है और 12,000 डिमांड कर रहे हैं ब्लू वाइज में। यहाँ पे लगा हुआ है ब्लू है या ग्रे है अभी कंफर्म नहीं हो रहा पिक्चर से। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये साथ में एक और ऐड लगा हुआ है, ये भी सेम सेलर का ही ऐड है। अब ये नहीं ना पता कि इनमें से कौन से अवेलेबल हैं कौन से नहीं हैं। ये भी मेरे यहाँ से 12,000 का ही सेल कर रहे हैं सबका, मतलब कि एक ही उन्होंने रेट लगाया हुआ है और पिक्चर्स बस डिफरेंट हैं। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं, ये बड़ी कैट है, बड़ी कैट हमने नहीं लेनी। ये किटन है जिसकी तस्वीरें, अगर आप ऐड भी लगाना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे पिक्चर्स जैसे ये लगाई गई हैं, पिक्चर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं इनकी, इस तरह की पिक्चर्स जो हैं वो कोशिश करें कि आप जो है वो लगाएं। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रीड्स के बारे में बताया जाता हूँ। अच्छा ये 8,000 का किटन है और लेकिन ये मुझे इतना नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं कलरफुल जो है बाई कलर या कोई मिक्स कलर जो है वो किटन लूँ। यहाँ पे ये भी है गिफ्ट आ पेट, लेकिन ये लाहौर में कार्गो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ये इस्लामाबाद बेस्ड हैं तो यहाँ पे ये कार्गो ही करेंगे, यहाँ पे ये सेल नहीं करेंगे। उसके बाद हम नीचे आते जाते हैं और देखते जाते हैं, ये है चौधरी अरसलान, 12,000 कैश ऑन डिलीवरी, हाई क्वालिटी। अच्छी बात है कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि आप देखें पसंद करें उसके बाद जो है वो किटन्स आप लें। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, इनसे देख लेते हैं कोई किटन्स वगैरह अगर उनके पास हैं तो इनको हम कंसीडर कर लेते हैं, इनको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। ऊपर भी एक था उसको भी हम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इनको कॉल करेंगे, इनसे डिटेल पूछेंगे, इनसे किटन की पिक्चर्स मंगवाएंगे, वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये भी ये किटन यहाँ पे मौजूद है और ये भी अच्छे लग रहे हैं मुझे किटन्स। अगर ये वाकई में ये हैं 12,000 के हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक हैं, महंगे नहीं हैं ज़्यादा, अगर ये वाकई में ये किटन्स हैं। और ये फिर भी उन्होंने लगाया हुआ है, फरवा ने लगाया हुआ है, इनके काफ़ी ज़्यादा एड्स लगे हुए हैं, फीचर ऐड लगे हुए हैं और इनके ऐड जो हैं वो चेक कर लेते हैं, इनको भी हम टेक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद अगर हम नीचे जाते जाएँ, नोटी एंड प्लेफुल किटन्स। अच्छा जी ये भी मेरे ख्याल से उनके ही उनमें से ही किसी के लगाए हुए हैं, उस्मान खान के नाम से ऐड है। और ये डिफरेंट किटन्स हैं, अब ये एक्चुअली हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा वाला एक्चुअल में अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा हमें वो दिखाते हैं। चले हम ना दो चार जो इनको हमने सेलेक्ट किया है फरवा को और एक ये वाले भाई साहब हैं मेरे ख्याल से, इनको भी देख लेते हैं। दो चार को हम कॉल करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कौन कौन से किटन्स अवेलेबल है, क्या क्या सीन है। तो सबसे पहले हम एक सेलर को कॉल करके देखते हैं जिनका फरबा के नाम से इन्होंने काफ़ी सारे एड्स लगाए हुए थे, पूछते हैं कि एक्चुअल उनके पास किटन्स हैं कौन से। कॉल करते हैं, पूछते हैं, थोड़ी डिटेल लेते हैं उनके बारे में, देखते हैं कॉल उठाते भी हैं या नहीं उठाते। बेल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी आपका ना ऐड देखा था ऑल एक्स के ऊपर किटन्स का, अवेलेबल कौन कौन से अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे एड्स लगे हुए थे आपके। सिर्फ और सिर्फ अभी दो रह गए। मुझे ज़रा पिक्चर शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर? श्योर, आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको डिटेल सेंड कर जी दूँ। मुझे ठीक काइंडली है, शेयर कर दें, शुक्रिया। ओके। तो चलें जी, जितनी देर तक हमें फरवा की तरफ से जो है वो आता है, रिप्लाई आता है, पिक्चर्स आती हैं, तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक ऐड लगा हुआ है गोल्डन पर्शियन किटन। बेसिकली ये जो किटन है ये ब्रिटिश है और आप देख सकते हैं इसके पीछे भी जो किटन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ये बेसिकली यहाँ की ब्रीड नहीं है, पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान में एक्चुअली ऐसी कोई ब्रीड एग्जिस्ट करती है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन हम इनको भी कॉल करके इनसे भी पिक्चर्स मंगवा लेते हैं, देख लेते हैं कि ये सच है या झूठ है, क्या है, ताकि आप लोगों को फ्रॉड का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो सके कि फ्रॉड किस तरह किया जाता है पाकिस्तान में। यहाँ पे उन्होंने मुझे जो फरवा है, उन्होंने जो डीलर है, उन्होंने मुझे सेंड की है वीडियो, लेकिन इस वीडियो में जो है वो म्यूज़िक है और किरण्स क्लियर नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने उनको फ़िलहाल कहा तो है कि मुझे पिक्चर्स वगैरह सेंड करें, होपफुली कि अगर कोई इनमें से कोई अच्छे तो लग रहे हैं किटन, अगर इनमें से वाकई कोई किटन अच्छे हैं तो हो सकता है उनके साथ डील कर लें। तो अब हम जो गोल्डन वाला जो था ऐड, उसको कॉल कर रहे हैं, पूछते हैं कि भाई जान कौन सी सेम एज इट इज़ यही है, पिक्चर्स वगैरह मंगवा के देख लेते हैं क्या सीन है।
अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, आपका ऐड देखा था ओलेक्स के ऊपर किटन का। जी ये सेम एज इट इज किटन है जो आपने लगाया हुआ है? ये अभी वो भाई आते हैं ना, वो देखते हैं अभी, वो उसमें मैंने देखा नहीं है। अच्छा, तो मुझे पिक्चर सेंड कर देंगे इनकी व्हाट्सएप पे जो अवेलेबल चलें है? ठीक है, वो मैं कर देता हूँ। मुझे कर देंगे इनसे। शुक्रिया। अभी देखते हैं, अगर पिक्चर्स वगैरह आती हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि भाई ने लगाया है, चेक कर लेते हैं वो भी। अभी उनकी पिक्चर्स आएंगी गोल्डन वाले की, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अगर सेंड की तो। अच्छा, ये एक और एड मैंने देखा जिसके ऊपर स्कॉटिश फोल्डेड कैट की पिक्चर लगाई गई है, और ये 7,500 की दे रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर मुझे 7,500 के या मुझे 75,000 की भी देंगे, शायद 1,00,000 की भी देंगे, तो मैं ले लूँगा शायद। तो हिज नेम इज़ जैक है और स्टड है। इनको भी कॉल करके पूछ लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है, इनसे भी जो है ना वो डिटेल ले लेते हैं। ये लें जी, स्कॉटिश फोल्डेड की जो है हमारे पास पिक्चर्स आ गई हैं, आपको दिखाता हूँ। ये स्कॉटिश फोल्डेड है, बिल्ला माशाल्लाह प्यारा है, लेकिन ये कहीं से भी स्कॉटिश फोल्डेड नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे इसके कानों में कोई मसला है, कोई हीमाटोमा की कोई प्रॉब्लम है, शायद स्वेल हुए हैं। और इसके अलावा भी अगर इसके आप लिफ्ट नोड देखें, जो कि ये चीज़ें होती हैं गाल ऐसे रहते हैं, ये स्वेल हैं। ये बेसिकली पर्शियन ब्रीड है जिसकी कटिंग करवाई गई है, और शायद उनको भी समझने में ये गलती हुई है कि ये स्कॉटिश नहीं है, ये एक जो है वो पर्शियन ब्रीड है, जिससे मुझे लगता है कि कोई शायद मेडिकल प्रॉब्लम भी जो है वो चल रहे हैं इसके। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि हंट किसका किया जाता है, किस जगह से किया जाता है, कैसे कैसे आप लोगों ने देखा है, और आप लोगों को काफ़ी सारा आइडिया भी हुआ होगा। किटन तो मैंने लेना ही लेना है, अभी कुछ लोगों का मैसेजेस आने बाकी हैं, वो देख के मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगा। और मैं आप लोगों को प्रॉपर जा के किस तरह से चेक करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ लगे। उसके बाद सारी चीज़ें जो है उस तरह शेड्यूल चलता रहेगा हमारा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जर्नी हमारी चलती रहे, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, लाजमी कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।